मुंबई के धारावी में शनिवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब स्थानीय लोगों ने बीएमसी की ओर से एक मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की योजना का विरोध किया। इस विरोध के चलते सैकड़ों लोग सड़क पर जमा हो गए और पुलिस को भारी संख्या में तैनात किया गया। गाड़ियों का नुकसान करके कुछ होने वाला नहीं है, मेहरबानी करके गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं करेगा। बीएमसी का कहना है कि मस्जिद का वो हिस्सा अतिक्रमण करके बनाया गया था, जबकि मस्जिद के ट्रस्टियों ने खुद ही निर्माण हटाने के लिए 4-5 दिन का वक्त मांगा है। दरअसल मुंबई के धारावी में महबूबे सुबानिया मस्जिद के अवैध पार्क को तोड़ने को लेकर तनाव फैल गया है। बीएमसी की टीम अवैध हिस्से को तोड़ने पहुंची ही थी, लेकिन भीड़ ने हंगामा कर दिया। लोग रास्ते पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। कार्रवाई करने पहुंची नगरपालिका की गाड़ी को भीड़ ने तोड़ दिया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। आपको बता दें कि मुंबई के धारावी में 90 फीट रोड पर 25 साल पुरानी सुबहानिया मस्जिद को अनाधिकृत बताते हुए बीएमसी द्वारा गिराया जाना है, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग बीती रात से ही सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद बहुत पुरानी है, इसलिए इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। ऐसे में बीएमसी के अधिकारी मस्जिद तोड़ने के लिए पहुंचे, तो प्रदर्शनकारी लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव कर दिया। वहीं धारावी मस्जिद मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है। धारावी मस्जिद मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस संबंध में कोर्ट का फैसला है। फैसले में अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने की बात कही गई है। बीएमसी ने कुछ दिन पहले कार्रवाई भी शुरू की थी। उस समय अनुरोध किया गया था कि ईद के बाद इस अनाधिकृत निर्माण को हटा दिया जाएगा। आज भी जब बीएमसी की टीम वहां गई, तो उन्होंने कहा कि अगले 4-5 दिनों में अतिक्रमण हटा देंगे, इसलिए टीम वापस लौट गई है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाया और ट्रैफिक को क्लियर करने का अनुरोध भी किया। बिल्कुल ये मत करो, देखो गाड़ियों का नुकसान करके कुछ होने वाला नहीं है, मेहरबानी करके गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं करेगा। जो बस डायवर्ट हो रही है उसको डायवर्ट होने दो। कानून व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की और लोगों से पथराव ना करने के लिए कहा। पुलिस के समझाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क के एक हिस्से का ट्रैफिक क्लियर कर दिया है। वहीं रास्ते की दूसरी ओर सारे लोग बैठ गए हैं। मस्जिद के पास से पूरे रास्ते पर मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि मस्जिद को ना तोड़ा जाए।